हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी हां, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं। माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा यहां पे अपडेट देने में मैं डिले हुआ हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ वर्क था जिसे मैं कर रहा था और इसलिए दोस्तों मैं बिजी था सुबह से ही, और ये अपडेट जो है रात में ही आ चुका था। जी हाँ, आपको बता दें 4 मार्च रात में ही दोस्तों ये अपडेट आ चुका था, और आज है 5 मार्च और मैं शाम को जो है अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज बिजी हो गया था, लेकिन अब दोस्तों सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा। चलिए बता देते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2023। दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से 568 पदों पर नर्स श्रेष्ठ ग्रेड सेकंड, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें नर्स श्रेष्ठ ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम दोस्तों 9 फरवरी 2023 को हुआ था, और एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों बता दें तो 18 एग्ज़ाम सेंटर का पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी जो 18 एग्ज़ाम सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ है, उनका दोस्तों री एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जी हाँ, आप लोगों का फिर से एग्ज़ाम होगा, और आप लोग टेंशन मत लो, जो एजेंसी आपके एग्ज़ाम करवा रही है वो आप लोगों की दोस्तों क्या है, जो किराया देगी। जी हाँ, किराया जो है एजेंसी ही देने वाली है, तो आप लोग टेंशन मत लो, आने जाने का जो भी खर्चा होगा ये एजेंसी देगी। तो री एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, बिल्कुल अभी भी नोटिस आ चुकी है। इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी दिया गया है, साथ ही एडमिट कार्ड डेट के बारे में जानकारी दिया गया है, साथ ही 18 एग्जाम सेंटर का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है, आपके एग्जाम सेंटर का नाम है, 18 एग्जाम सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ है, अगर आपके एग्जाम सेंटर का पेपर कैंसिल हुआ है, तो आप लोग जो है दोस्तों 7 मार्च से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोगों का फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम करवा रहा है, क्योंकि रिजल्ट इसको देना है और ज्वाइनिंग इसे देना है, इसलिए बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको वेबसाइट पर, बात करें एग्जाम डेट के बारे में, रीशेड्यूल एग्जाम डेट के बारे में, एडमिट कार्ड डेट के बारे में, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, किस वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और 18 एग्जाम सेंटर का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसकी लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बाकी मैं आपको माफी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर अपडेट देने में डिले हुआ हूं, तो आपसे माफी चाहता हूं, ये रात में ही अपडेट आ चुका था। चलिए आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। जी हां, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, पिन कोड 226010। तो दोस्तों डॉक्टर आर्यमेयर लखनऊ का दोस्तों वेबसाइट ओपन हो चुका है, और यह जो है लेटेस्ट न्यूज पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग जो है इस लेटेस्ट न्यूज पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहां पर देखिए, नंबर 1 री एग्जामिनेशन नोटिस फॉर श्रेष्ठ ग्रेड सेकंड, ये दोस्तों अपडेट आ चुका है, नोटिस यहां पे जारी किया गया है, न्यू करके यहां पे ऑप्शन आ रहा है, और यह श्रेष्ठ ग्रेड सेकंड री एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहां पे नोटिस जारी किया गया है, डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करके PDF को, नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड यहां पर कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, जैसे क्लिक करोगे 1 सेकंड के अंदर PDF ओपन हो जाएगा। PDF दोस्तों यहाँ पे ओपन होने वाला है। जी हाँ, ओपन हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट मेंशन है 4 मार्च 2023, क्लियर है। जी हाँ, ये रात में ही अपडेट कर दिया गया था 4 मार्च को, और आज है 5 मार्च, मैं आपको शाम को अपडेट दे रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, पिन कोड 226010, नोटिस यहाँ पे है, और ऑफिस नोटिस नंबर है 4203, डेटेड ऑन 25 फरवरी 2023, रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ श्रेष्ठ ग्रेड सेकेंड या नर्सिंग ऑफिसर हेल्ड ऑन 9 फरवरी 2023। तो बोला गया है कि 9 फरवरी को जो है 18 एग्जाम सेंटर का पेपर कैंसिल किया गया है, जिसका एग्जाम दोस्तों फिर से होने वाला है, और 11 मार्च 2023 को दोपहर जो है
12 बजे से 2 बजे तक जो है आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा। और सुबह जो है 10 बजे से लेकर 11:30 तक, है ना, 10 AM टू 11:30 AM तक दोस्तों आप लोगों को रिपोर्टिंग कर लेना है। 11:30 AM तक आपको हर हाल में रिपोर्टिंग कर लेना है। और 12 बजे से आपका पेपर शुरू होगा, और 12 बजे से पेपर शुरू होगा, 2 बजे तक चलेगा। और ये दोस्तों जो 18 सेंटर्स पर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनका री एग्जामिनेशन शेड्यूल है, और 11 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो 11 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, और आप लोग जो हैं बता दें तो 7 मार्च 2023 को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ, 7 मार्च को दोस्तों आप लोग जो हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि 18 सेंटर्स का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका लिस्ट दिखा देता हूं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप लोगों का फिर से एग्ज़ाम होगा, और 11 मार्च को एग्ज़ाम होगा। बाकी मैं बता दूं तो क्या है कि जो 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्या है उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसी से रिलेटेड और उसी पैटर्न को फॉलो करके ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो जल्द ही यहाँ पे सॉल्वड पेपर्स की वीडियो आने वाली है, जो 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्वड पेपर्स की वीडियो आएगी, और आप लोगों की दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग टेंशन मत लो, चलिए मैं आपको लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ। क्लियर है? आपको बैक आ जाना है, नोटिस देखने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ पर ही आपको आना है। और यहाँ पे देखोगे नंबर 3, यहाँ पे आपको 18 एग्जाम सेंटर जो यहाँ पे कैंसिल किया गया पेपर उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो डाउनलोड नाउ का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके PDF को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। PDF ओपन हो चुका है, और यहाँ पर PDF देख सकते हो। सबसे पहले तो 7 एग्ज़ाम सेंटर का जो है पहले यहाँ पे पेपर कैंसिल किया गया था, तो ये एग्ज़ाम सेंटर है। क्लियर है? जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था शाम को ही जो है शायद 7 एग्ज़ाम सेंटर का पेपर कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पे आप लोग देख लो, एक अलीगढ़, आगरा में यहाँ पे 2 है, गोरखपुर में 1 है, दिल्ली में 3 एग्ज़ाम सेंटर्स है जिसे कैंसिल कर दिया है। गोरखपुर में 1 है, आगरा में 2 है, अलीगढ़ में 1 है। तो ये 7 एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ये आप लोग देख लो। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, क्लियर है, इस लिस्ट में आपका पेपर हुआ था या इस एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एडमिट कार्ड आया था, आपका एग्ज़ाम होने वाला था, तो क्या है कि अब आप लोगों का दोबारा एग्ज़ाम होगा 11 मार्च को। क्लियर है? बाकी नीचे आइएगा तो एक और यहाँ पे देखिए अपडेट है कि 11 और एग्ज़ाम सेंटर की यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यहाँ पर अगर आपका पेपर होने वाला था या पेपर हो चुका था तो आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया गया है। और यहाँ पर देखो आगरा में है, एक आगरा है, हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, इसके बाद एक फिर फरीदाबाद बाईपास रोड, फरीदाबाद हरियाणा, फिर यहाँ पे देखिए हरियाणा, गुरुग्राम एंड मथुरा। उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो ये देखिए मथुरा उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ पे देखिएगा तो एक दिल्ली का है, और फिर दोस्तों दिल्ली का भी है, और यहाँ पर देखिए PIIT कॉलेज है एक नोएडा उत्तर प्रदेश, इसका भी एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, एंड सहारनपुर में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में कैंसिल किया गया है। तो ये 11 एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है, इसे आप लोग देख लो। और इसके बाद दोस्तों ये 7 एग्ज़ाम सेंटर है जिसका पेपर दोबारा होने वाला, तो ये 18 एग्ज़ाम सेंटर है। अगर इस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होने वाला था या एग्ज़ाम हो चुका था या आपने एग्ज़ाम दे दिया था, आपके एडमिट कार्ड पर जो है ये एग्ज़ाम सेंटर था और आपने एग्ज़ाम नहीं देने गए थे, तो आप लोग जो है क्या करिए, अब दोबारा एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो एजेंसी है आपका खर्चा उठाएगी आने जाने का। तो आप लोग टेंशन मत लो, सभी लोगों को पेपर यहाँ पे देना है। क्लियर है? 11 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आप लोगों का चलने वाला एग्ज़ाम, और 7 मार्च से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाई मिस्टेक कोई गलती हो गई है वीडियो बनाते वक्त, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। 2 से 3 बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में जो है सेट हो जाए। धन्यवाद।